आ गई बेटा? हाँ मम्मी। मम्मी जी, आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। शॉपिंग? हाँ मम्मी जी, पूरे 30,000 रुपये की शॉपिंग करी है मैंने आज। और आपको पता है, मैंने इतने सुंदर सुंदर हील्स, ड्रेसेस बहुत अच्छे लिए हैं, और तो और मैंने लिपस्टिक भी इतने अच्छे शेड्स में लिए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे पास पहले से ये भी सारा नया सामान रखा हुआ है। कितने कपड़े तो तुमने अभी तक अनपैक भी नहीं किए, ऊपर से इतनी सारी शॉपिंग, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? ये तो फिजूल खर्ची हुई ना। ओहो मम्मी जी, आपको फैशन के बारे में तो कुछ पता है नहीं, बस मुझे टोकती रहती हो। मम्मी जी, आपको पता है फैशन ना हर हफ्ते बदलता है, और हमें फैशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, और हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, इतने महंगे महंगे, इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि वो अच्छे दिख सकें, इसलिए मुझे भी अच्छे कपड़े पहनना पसंद है ताकि मैं अच्छी दिख सकूं। बेटा, तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है, तुम खुद कह रही हो कि हर हफ्ते फैशन चेंज होता है, तो क्या तुम हर हफ्ते इतनी शॉपिंग करके आओगी? जो पिछले हफ्ते लिया था उसका क्या, और जो उसके पिछले हफ्ते लिया था उन कपड़ों का क्या? बेटा, ये तो फिजूल खर्ची हुई ना। बस मम्मी जी, ये फैशन के बारे में तो मुझे मत ही बताओ आप। आपको तो कुछ फैशन के बारे में पता है नहीं, कभी शॉपिंग तो करती हो नहीं आप, बस मुझे टोकती रहती हो। और वैसे भी मम्मी जी, ये पैसे तो आनंद के हैं ना, तो इसमें आपको क्या दिक्कत होती है? बेटा, पैसे किसी के भी हों, आनंद के हों या तुम्हारे हों, ये फिजूल खर्ची ही कहलाएगी। मम्मी जी, ये ज्ञान की बात है ना, मुझे मत बताइए आप। मुझे फैशन करना अच्छा लगता है, मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, और आनंद मुझे किसी भी चीज में नहीं टोकता, तो आप मुझे क्यों टोकती हैं? आपको भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा, मैं जानती हूँ कि आनंद तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी पसंद ही उसकी पसंद है, पर तुम्हें भी तो आनंद का ख्याल रखना चाहिए ना। वो पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी भाग दौड़ कर रहा है, तो तुम तो ऐसे पैसे मत उड़ाओ ना, तुम पैसों की सेविंग करो। वक्त का कभी पता नहीं चलता, मुसीबत कभी भी आ सकती है, तो ये सेविंग्स ही काम आती हैं। मम्मी जी, इस बारे में तो आप मुझे बिल्कुल मत बताइए। और आनंद मेरे लिए कमाता है, पैसे खर्च करने के लिए होते हैं ना, ना कि अलमीरा में सजाने के लिए। बेटा, मैं तुम्हें जो समझाना चाह रही हूँ ना, तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हो। बस मम्मी जी, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। मैं अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ, और ऑलरेडी मैं बहुत थक चुकी हूँ। आपकी बातें सुन सुनकर ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक काम करती हूँ, रूम में जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ आपकी बातें सुनने से अच्छा। मम्मी। अरे सुनीता बेटा, तू कब आई? अरे मम्मी, मैं तो बस अभी आई। लेकिन आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्या हुआ मम्मी, बताओ ना, भाभी ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, बहू ने कुछ नहीं कहा, पर बहू ना बहुत फिजूल खर्ची करती है, और मैं जब उसको समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती है, मुझे अपना दुश्मन समझती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे समझाऊं। मुझे डर लगता है कि उसकी इस फिजूल खर्ची की आदत से ना वो किसी दिन किसी मुसीबत में ना आ जाए। मम्मी, क्या आपने पापा और भैया से बात की क्या? मुझे लगता है एक बारी ना आपको पापा और भैया को बता देना चाहिए। नहीं बेटा, पापा को इस बात का पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और आनंद बहू को बहुत प्यार करता है और मुझे भी बहुत मानता है, और मैं अगर आनंद को बहू के लिए कुछ कहूँगी तो उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा ना हो जाए, और मेरे बहू और बेटे दुखी होंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं भाभी से बात करके देखती हूँ और उनको समझाती हूँ कि नहीं फिजूल खर्ची हो ना किया करे। नहीं नहीं बेटा, तू भी अभी मत बात करना, उसे अभी किसी की बात भी समझ नहीं आ रही। अगर तू उसे कुछ कहेगी तो ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव हो जाए, तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अरे सुनीता, तू कब आई? अरे भाभी, मैं बस अभी आई, मार्केट गई हुई थी, तो मैंने सोचा मम्मी से मिलते हुए जाऊं। तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बढ़िया सा बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा। अच्छा हुआ सुनीता तू आ गई। तुझे पता है मैंने आज इतनी सारी शॉपिंग करी है ना, पूरे 30,000 रुपये की शॉपिंग करी है, और इतनी सारी लिपस्टिक लिए ना, अगर तुझे कुछ चाहिए होगी तो मुझे बताना। नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट भाभी मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना, क्या हुआ? भाभी आप ना इतनी फिजूल खर्ची मत किया करो, और उन पैसों को ना सेव किया करो। ट्रस्ट मी भाभी, पैसे आपके आगे जाके बहुत काम आएंगे। सुनीता तू पागल हो गई है क्या? तो ये मम्मी जी की तरफ बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना फैशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और तू ऐसी बातें करेगी, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
भाभी मैं समझती हूँ कि फैशन क्या होता है, बट थोड़ा सा आपको भी तो समझने की जरूरत है ना। बस सुनीता, बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें। क्या हुआ? अरे मम्मी, मैं बस भाभी को समझाने की कोशिश ही कर रही थी कि इतनी फिजूल खर्ची ना किया करें, बट मुझे लगता है कि शायद भाभी को बुरा लग गया। बहू, सुनीता जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए तो कह रही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ मम्मी जी, मेरा भला तो बस आप दोनों चाहते हो ना, मैं तो अपना बुरा चाहती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग मेरे फैशन के पीछे इतना क्यों पड़ गए हो। और मम्मी जी, अब आप दोनों से बात ना आनंद ही करेगा, मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है मम्मी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे मायके में सब ठीक है ना? क्या बता बेटा कमला, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी जी। पापा जी, मेरे पापा की जो कपड़ों की दुकान थी वो जल गई है, और उसके लिए पापा ने जो लोन लिया था वो लोग पापा के पीछे पड़ गए हैं कि लोन चुकाओ लोन चुकाओ। मेरे पापा के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और वो लोग मेरे पापा को धमकी दे रहे हैं कि अगर पापा ने पैसे नहीं दिए तो पापा की वो लोग कंप्लेन करा देंगे और जेल ले जाएंगे। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मम्मी जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। पापा जी आप तो मेरी हेल्प कीजिए इसमें। बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो खुद की जॉब इस समय प्रॉब्लम में है, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी हमारी वो भी ख़त्म हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा इसी दिन के लिए मैं तुम्हें समझाती थी कि सेविंग्स करो, फिजूल खर्ची मत करो, अगर तुमने उस टाइम मेरी बात मानी होती ना तो आज तुम्हारे खुद के पास इतने पैसे होते कि तुम अपने पिता की मदद कर सकती थी। बेटा कोई भी नहीं चाहता कि मुश्किल का समय आए, मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, पर ये हमारी खुद की समझदारी है कि हम मुश्किल टाइम के लिए खुद को कैसे तैयार रखते हैं। बेटा अगर उस टाइम तूने मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो हमारे खुद के पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे होते तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करते। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि पैसा बचाओ, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर बचाओ। तुम्हारी सास तुम्हें यही समझाती रहती थी लेकिन तुमने कभी इसकी बात नहीं सुनी, और मैं इसलिए चुप रहता था कि तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हें तंग करते हैं या तुम्हें ये सोचो कि तुम गलत घर में आ गई हो, यहाँ आकर फंस गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने हमेशा ये चाहा कि तुम पैसा बचाओ। ठीक है आनंद कमाता है, अच्छा कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों हाथों से अपना पैसा लुटाओ। पैसा चाहे किसी का भी हो बेटा, पैसा पैसा होता है, चाहे वो तुम्हारा है, चाहे वो इनका है, चाहे वो मेरा है। एक घर का पैसा है, यह हमारा पैसा है, हमें सोचना चाहिए कि हम उसे किस तरह से खर्च कर रहे हैं। जानती हो आजकल की जनरेशन में यही प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं। मेरी दोस्त ने जेवर लिया है, मैं भी ले लूँ, चाहे बैंक से लोन क्यों ना उठाना पड़े। मेरे दोस्त ने 50 लाख रुपए की गाड़ी ली है, मैं क्यों ना लूँ, क्योंकि हम शो ऑफ करते हैं, और इसी शो ऑफ में हमारी ज़िंदगी एक जगह पर ऐसे आके अटक जाती है कि हम पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा, कल हमारे बच्चे होंगे, उनका भविष्य क्या होगा। जानती हो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बूंद बूंद से मटका भरता है, यह सच है, लेकिन हम लोग समझते नहीं, हम लोग सुनते नहीं। एक एक पैसे की वैल्यू हमें पता लगती है। बुज़ुर्गों ने ऐसे ही हमें ये शिक्षा नहीं दी कि बेटे पैसा बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो, मत उड़ाओ दोनों हाथों से। मुझे अफसोस है कि मैं इस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अभी भी समझो बेटा, पैसे की वैल्यू समझो। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी आप मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती थी लेकिन मैं कभी समझी नहीं, और सुनीता ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी। मुझे तो शो ऑफ करना था, नए नए कपड़े पहनने थे, लोगों को दिखाना था। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं आज अपने पापा के काम आती, लेकिन मैंने तो फैशन के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दिए। अब आज जब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे खुशी है बेटा कि आज तुम्हें समझ आई, तुम्हें पैसे की कदर महसूस हुई, वैल्यू महसूस हुई। हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आखिर वो भी हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, क्यों ना हम ये
घर गिरवी रख के जो कुछ भी पैसे हमें मिले हम उनसे इसके पापा की मदद करें। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल, वो भी हमारा परिवार है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो तुम्हारे मम्मी पापा के घर चलते हैं, इस समय हमें उनके पास होना चाहिए, हमें तो उनका ध्यान रखना है, चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो मैसेज और वो मोरल क्या है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिली है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और आप जो वीडियो को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी, रियल स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।